हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामले। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग क्लास। डे टू में हमने ये बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली थी और हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली थी। अब जो हमने यहाँ तक जो सीख लिया ना, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ कि ये जो हमने कटिंग की है ना, वो हमारा किस टाइप का ब्लाउज रहेगा ना, उसके बारे में बता देती हूँ। देखो, ये जो हमने ब्लाउज की मार्किंग की है ना, ये हमारा पीछे की साइड से हुक लगेगा। इसके लिए हमने ये जो कटिंग किया ना, वो किस टाइप की ब्लाउज रहेगी, तो ये हमारी इस टाइप की ब्लाउज रहेगी। ये हमारा फ्रंट एंड बैक पैक हो गया। देखो, ये हमारी कैसी ब्लाउज है, यहाँ पे हमारा एक टक्स लगेगा, फिर ये हमारा पूरा फ्रंट पैक हो गया और बैक भी पैक रहेगा। फ्रंट भी पैक रहेगा और बैक भी पैक रहेगा। बैक साइड पे हमने हुक आई की पट्टी लगानी है ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन करके रखी है। तो ये हमने इसको हम बोलते हैं वन डार्ट, और फ्रंट एंड बैक पैक वन डार्ट। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। फिर ये जो हमने बनाया है ना, सिर्फ हमने ये ड्राइंग बनाई, मैंने आपको सिर्फ ड्राइंग बनाने को बोला था ना, उसकी स्टिचिंग अभी तक हमने नहीं की। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो हमने एक मार्क जो हमने ड्राइंग बनाई है, वो किस टाइप का ब्लाउज रहेगा। तो ये जो हमने ड्राइंग बनाई है ना, वो हमारा फ्रंट एंड बैक पैक की ड्राइंग रहेगी, वो हमारा ब्लाउज इस टाइप का रहेगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो था, वो हमारा फ्रंट एंड बैक डिप का ब्लॉक था। फिर जो हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे ना, वो हमारा फ्रंट एंड बैक डीप रहेगा। तो ये हमारा फ्रंट से भी डीप रहेगा और बैक साइड से भी डीप रहेगा। यह वाली जो पट्टी रहेगी वो थोड़ी कम इंच की रहेगी और ये पूरा बैक साइड का डीप रहेगा। तो उसके हम सेंटर डार्ट ब्लॉक बोलते हैं, तो उसके हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे। उसमें देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रंट एंड बैक डीप। तो ये फ्रंट डीप हो गया और ये बैक डीप हो गया, तो ये हमारा एक डार्ट का हो गया। तो वन डार्ट मतलब यहाँ पे ये जो हमने टक्स, अगर आप डार्ट नहीं तो आप टक्स भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा वन टक्स, वन डार्ट हो गया। इतना समझ में आ गया। फिर देखो, यहाँ पे बीच में भी एक लाइन बनाई है ना, तो ये भी हमारा टक्स रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर डार्ट। तो ये हमारा रहेगा सेंटर टक्स। तो ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा फ्रंट एंड बैक डीप ब्लाउज का। तो ये भी हम सिर्फ ड्रॉइंग करना सीखेंगे। ओके, आपको इतना क्लियर हो गया। आपको क्लियर हो गया कि जो हमने कटिंग की वो हमारी किस टाइप की ब्लाउज रहेगी और आगे हम क्या सीखेंगे। तो अब हम शोल्डर चार्ट देखना सीखेंगे कि किस टाइप से हमें शोल्डर चार्ट देखना है। तो शोल्डर चार्ट की फोटो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो कहाँ पे मिलेगी उसकी भी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप वो वीडियो पूरी देख लेना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपको ये सारी फोटोज मिलेगी। अब जो मैं वीडियोस में दिखाऊंगी ना, उसका आपको फोटो या स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे क्लास खत्म करूंगी ना, वैसे वैसे वहां पे मैं उसकी फोटो भी डाल दिया करूंगी, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वीडियो देखो कि आपको कहाँ पे सारी फोटोज मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फोटो अपलोड करूंगी ना, तो सारी मैं वहां पे कम्युनिटी में ही अपलोड करूंगी, तो वहां से आपको सारे टाइप की फोटोज मिल जाएगी। जो हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे, जो भी चार्ट रहेगा, जो भी आपको देना रहेगा ना, वो सारी फोटो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी, तो आपको वहां से वो सारी फोटोज मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि शोल्डर चार्ट को हमें किस नाप के हिसाब से कैसे देखना है, उसकी हम डिटेल लेंगे। तो उससे पहले मैंने ये वाली फोटो आपको दी थी, तो इसमें क्या लिखा है, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको ये तीन मेजरमेंट की जरूरत है। ओके, तो तीन मेजरमेंट कौन सा, तो ये एक रहेगा हमारा नेक का शेप, आपको ब्लाउज में कौन से शेप का नेक बनाना है वो। फिर हमारा नेक डीप रहेगा, कितने इंच का आपको डीप नेक चाहिए वो। फिर हमें रहेगा रेडी शोल्डर। मैंने नाप लेते टाइम आपको बताया था कि रेडी शोल्डर का नाप भी हमें लेना है, तो ये तीन नाप हमें इसके लिए चाहिए होगा। ओके, अभी हम इसको देखना कैसे है ना, वो मैं समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, उसी से मैं आपको सिखाती हूँ। तो नेक का शेप यहाँ पे क्या लिखा है, स्वीट हार्ट लिखा है ना। तो ये जो हमारा शोल्डर का जो चार्ट है ना, उसको हमें ले लेना है। ओके, तो नेक का शेप हमारा कौन सा है, स्वीट हार्ट नेक का शेप है। नेक डीप हमारी 6 इंच की है और रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर तो यहाँ पे 2 इंच का रहेगा,
ये रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच तो इसमें ही आ गया है ना, तो हमें पूरा ये वाला चार्ट देखना है। देखो ये दूसरा जो चार्ट रहेगा वो हमारा रेडी शोल्डर 4 का रहेगा, फिर ये 3 का रहेगा। तो आपको जितना भी आपका शोल्डर रहेगा ना उसका चार्ट देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 2 इंच का है ना, तो हमें 2 इंच वाला चार्ट देखना है। यहाँ पे 2 इंच लिखा है तो ये चार्ट हम देखेंगे। उसमें फिर हम क्या देखेंगे, तो ये रेडी शोल्डर हमारा कम्प्लीट हो गया, ये तो हमने देख लिया। फिर हम नेक का शेप देखेंगे, तो यहाँ पे नेक शेप हमारा क्या है, स्वीट हार्ट नेक है ना, तो स्वीट हार्ट नेक है, तो हमारा ये स्वीट हार्ट नेक है, तो हमें ये वाली लाइन देखनी पड़ेगी। ओके, ये वाली हम लाइन देखेंगे, ये वाली हमें लाइन देखनी है। नेक का शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या देखना है, नेक डिप। तो नेक डिप हमारी कितनी है, 6 इंच की हमारी नेक डिप है ना, तो नेक डिप हमारे कहाँ पे लिखा है, ये वाला, तो यहाँ पे भी हमें नेक डिप लिखना है। तो ये हमारा नेक डिप का हो गया। ओके, ये वाली लाइन नेक डिप की है, तो नेक डिप हमें यहाँ पे कितना इंच का चाहिए, 6 इंच का चाहिए, तो ये वाली लाइन हमें ऐसे देखनी है, फिर नेक डिप हमारा 6, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 to 7 इंच का लिखा है ना, तो नेक डिप हमारा इसी में आ जाएगा। तो स्वीट हार्ट नेक को ये वाली लाइन बोला था, तो ये वाली लाइन को ऐसे देखना है, फिर सीधे में ऐसे में कौन सी लाइन देखना है, तो 6 इंच का हमारा नेक डिप है ना, तो हम ऐसे देखेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1.50। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा -1.50। तो यहाँ पे हमें -1.50 ले रहा है। ओके, ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ कि दूसरा एग्जाम्पल देके देखते हैं कि उसमें आपको कितना लेना है। अब हमारा दूसरा ब्लॉक किसका रहने वाला है, तो फ्रंट एंड बैक डिप। ओके, फ्रंट एंड बैक डिप का रहेगा, तो उसमें हमें शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमारा नेक का शेप रहेगा ना, उसको हमें पहले डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे डीप नेक। ओके, फ्रंट का डीप नेक रहेगा, तो ये हमारा पूरा फ्रंट डीप नेक हो गया। तो ये हमारा नेक का शेप कौन सा हो गया, राउंड नेक का पैटर्न, मतलब जो भी शेप आप दोगे वो हमारा क्या हो गया, राउंड नेक हो गया ना। तो यहाँ पे नेक पैटर्न हमारा ये राउंड हो गया। ओके, फिर हमें उसके लिए क्या चाहिए, तो नेक डीप चाहिए ना, तो नेक डीप आपको कितना इंच का रखना है, तो यहाँ पे हम नेक का डीप ले लेंगे 6.75 इंच। ओके, ये हमने 6.75 इंच का नेक डीप ले लिया। फिर हमें उसके लिए क्या चाहिए, रेडी शोल्डर चाहिए, तो रेडी शोल्डर हमें इसमें कितना लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2.50 इंच। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैंने फ्रंट की ड्राइंग बताई है, इतना आपको समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। तो अब हम फ्रंट डिप एंड बैक डिप का जो ब्लाउज, मतलब ब्लॉक बनाएंगे ना, ड्राइंग बनाएंगे ना, उसमें हमें कैसे शोल्डर लेना है ना, वो मैं सिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमने ये 3 चीज की जरूरत है। नेक की पैटर्न हमें कौन सी लेनी है, तो स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं हम, वी नेक बना रहे हैं, कि कौन सी नेक बना रहे उसका हमने किया। तो ये हमारा, ये हमने राउंड नेक चूज कर लिया, तो ये हमारा राउंड नेक हो गया। फिर हमने क्या किया, नेक का डीप हमने डिसाइड किया, कि नेक डीप हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डीप चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया। फिर हमें रेडी शोल्डर, तो यहाँ पे जो शोल्डर रहेगा वो हमें कितना इंच का चाहिए रेडी, तो वो हमने यहाँ पे 2.50 इंच का कर लिया। ओके, ये हमने नाप लिख लिया। ये नाप सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, ये इतना कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेडी शोल्डर देखेंगे। तो ये हमारा रेडी शोल्डर कितना आ रहा है, 2.50 इंच। तो 2.50 इंच तो हमारा इसी में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2, 2.25 और 2.50, तो हमें फिर से ये वाला चार्ट देखना है। ये हमने देख लिया, सबसे पहले हमें ये देखना है, तो ये हमने देख लिया। फिर हमें क्या देखना है, नेक का शेप देखना है। तो नेक का शेप हमारा कौन सा है, राउंड शेप है ना, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। ओके, यहाँ पे मैं एरो बता रही हूँ, तो ये वाली लाइन देखनी है, ये जो लाइन है ना वो पूरी लाइन देखनी है, राउंड शेप वाली। ओके, जो आपको मैंने चार्ट दिया है वहां पे शेप का जो चार्ट है वो मैंने अलग से बताया है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ रहेगा कि राउंड नेक, तो आपको समझ जाना है कि ये ऐसा वाला राउंड नेक हो गया। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो नेक का शेप हमने कंप्लीट कर लिया कि नेक का शेप हमारा राउंड रहेगा, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है, ये वाली हम लाइन देखेंगे।
फिर हम देखेंगे कि हमारा नेक का डिप कितना है। तो नेक डिप हमारा कितना है, 6.75 इंच। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 6.75 इंच हमारा कहाँ पे आएगा। तो ये लाइन हमें देख लेनी है, सबसे पहले आपको ये लाइन चूज कर लेनी है। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, फिर हमें ऐसे सी ऐसे में देखना है। तो ऐसे में हमारा कहाँ पे आएगा, ये तो कितने सारे है ना, ये हमारा इतने 5 बॉक्स है, तो उसमें से हमारे कौन से नंबर पे कौन सा आएगा। तो उसके लिए हमें नेक डिप चाहिए। तो हमारा नेक डिप कितना है, 6.75 इंच है। तो 6.75 इंच हमारा कहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे देखो 5.5 to 6.5। और यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि नेक डिप आपका कितना रहेगा। ओके, तो ये नेक डिप की लाइन है ऊपर वाली, और ये जो लाइन रहेगी वो आपकी रहेगी टेढ़ी शोल्डर की। ओके, इतना हो गया। अब हम 6.75 इंच कहाँ पे है वो ढूंढेंगे। तो यहाँ पे तो 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच से तो आगे इसमें नहीं जा सकते, तो यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6.5 to 7 इंच। तो 7 इंच तक ये बॉक्स हम देख सकते हैं। तो हमारा तो 75 इंच है ना, 6.75 इंच, तो ये तो हमारा इसी लाइन में आ जाएगा। तो ये ऐसे में हमें ये वाला बॉक्स देखना है, और यहाँ से हम ये वाला बॉक्स देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, -2 इंच आएगा। तो इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा वो रहेगा हमारा -2 इंच। -2 इंच हो गया। अब ये जो हमारा -2 इंच आया ना, उसको हमें कहाँ पे मार्किंग करनी है, कैसे मार्किंग करनी है, वो पूरा हम बाद में देखेंगे। सिर्फ मैं आपको अभी क्या सिखा रही हूँ, तो शोल्डर -4 को देखना कैसे वही मैं आपको सिखा रही हूँ। अब और एक एग्जांपल देती होती हूँ। ये तो हमने सिर्फ फ्रंट का किया है। ओके, ये हम सिर्फ फ्रंट का देख रहे हैं। अब हम देखेंगे स्वीट हार्ट नेक। तो स्वीट हार्ट नेक हमारा ऐसे रहेगा। नेक का पैटर्न हमने चूज कर लिया, ये हमने नेक पैटर्न चूज कर लिया। तो ये हमने क्या, स्वीट हार्ट नेक पैटर्न चूज किया, ये कंप्लीट हो गया। फिर हमें दूसरा क्या चाहिए, नेक डीप चाहिए। तो उसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेक डीप। नेक डीप हम इसमें रखेंगे 7 इंच का। नेक डिप हमारा 7 इंच का रहेगा। फिर हमें दूसरा क्या चाहिए, तो रेडी शोल्डर चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हम इसमें रखेंगे 2 इंच का। सिर्फ हम 2 इंच का रेडी शोल्डर रख लेते हैं। ओके, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेडी शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा फिर से 2 इंच आया। तो इसी चार्ट को हम देखेंगे, ये हमारा देख लिया। अब हम देखेंगे नेक का पैटर्न। तो नेक का पैटर्न हमारा स्वीट हार्ट नेक है, तो हमें ये वाली लाइन को देखना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक डिप देखेंगे। तो नेक डिप हमारा कितना है, 7 इंच का है ना। तो नेक डिप यहाँ पे लिखा है, तो फर्स्ट वाली जो लाइन रहेगी वो नेक डिप रहेगी ना। तो इसमें से भी हमारी ये जो लाइन रहेगी वो हमारी नेक डिप की रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 इंच का। तो यहाँ पे देखो 6 to 7, और यहाँ बोलोगे कि यहाँ पे भी 7 लिखा है और यहाँ पे भी 7 लिखा है ना। तो तब हमें कौन से बॉक्स में देखना है, तो मैं वो भी समझाती हूँ। अभी ये समझो कि नेक डिप हमारा 7 इंच है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 to 7 इंच। मतलब कि आपका जो नेक डिप 6 इंच से 7 इंच तक रहेगा, तो आप ये वाला बॉक्स देख सकते हो। तो यहाँ पे 6 to 7 इंच लिखा है, तो हमारा ये वाला आएगा। तो माइनस, इसमें हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 1.50 इंच, -1.50 इंच आएगा इसमें का आंसर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने बोला कि 7 इंच यहाँ पे भी है, 7 इंच यहाँ पे भी है, तो हमें कब कौन सी लाइन देखनी है। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, 6 से 7 इंच तक। मतलब कि जब आपका गला 6 से 7 इंच तक का रहेगा ना, तब भी आप ये वाला बॉक्स देख सकते हो। फिर 7.1, 7.2, 7.25, जितना भी आपका 7 से 1 भी इंच ज्यादा रहेगा ना, तो आपको फिर ये वाली लाइन देखनी है। ओके, ये तो आपको सिर्फ 7 इंच, जब तक आपका 7 इंच का गला रहेगा तब तक ही इसको देखना है। फिर 7 से 1 भी लाइन ज्यादा रहेगी, एक लाइन तो नहीं रहेगी, 7.5 इंच रहेगा, नहीं तो 7.25 इंच रहेगा। तो आपको फिर ये बाजू की लाइन जो है ना, ये वाला बॉक्स को देख लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का हमने सीख लिया। अब हम बैक का देखेंगे। तो बैक का नेक देखने के लिए बैक डिप हमें कितना लेना है वो तो हमें पहले से नहीं पता रहता है ना। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है,
बैक डीप देखने के लिए हमें सबसे पहले आपको बैक की लेंथ चाहिए, बैक की आपको लेंथ चाहिए। तो हमारी बैक साइड की लेंथ जब हमने क्लास वन में नाप लिया था तो हमारी बैक साइड की लेंथ कितनी आ रही थी, 13 इंच की आ रही थी ना। तो बैक साइड की जो बैक पार्ट की टोटल लेंथ है ना, बैक पार्ट की टोटल लेंथ हमारी 13 इंच की रहेगी। ओके, ये बैक का नेक की टोटल लेंथ 13 इंच नहीं है, पूरे ब्लाउज की 13 इंच है। ओके, ये पूरे ब्लाउज की 13 इंच रहेगी। अब हमें क्या डिसाइड करना है, तो ये जो हम यहाँ पे जो बेल्ट बनाएंगे ना, हमारा ब्लाउज ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे जो पट्टी रहेगी ना वो हमें यहाँ पे कितने इंच की चाहिए वो हमें डिसाइड कर लेना है। तो हम यहाँ पे ये जो पट्टी रहेगी वो हम 3 इंच की रखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारी जितनी ब्लाउज के बैक पार्ट की जो लेंथ है उसमें से हमें -3 इंच कर लेना है। -3 इंच करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। 10 इंच हमारा आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, बैक पार्ट का हमारा नेक मिल गया। ये हमें नेक मिल गया। अब आपको समझ में आया ना कि बैक नेक हमें कैसे मिल गया, तो 10 इंच का हमारा बैक नेक मिल गया। फिर हमारा बैक साइड का नेक हम कैसे बनाएंगे, तो ये बैक साइड का हम लेंगे राउंड नेक। तो बैक साइड की पैटर्न भी हमें मिल गई और उसका जो गला रहेगा वो कितने इंच का रहेगा वो भी हमें मिल गया। अब हम लेंगे रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारा कितना था, हमने पहले कितना लिया था ये वाला लिखेंगे, तो 2.50 इंच लिया था ना, तो यहाँ पे भी हमें 2.50 इंच ले लेते हैं। तो आपको ये 3 मार्किंग मिल गया। ये सिर्फ आपको क्या समझाने के लिए किया कि बैक पार्ट की ना हमें गले की लेंथ पहले से नहीं मिलती है, तो उसको हमें कैसे डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमें बैक पार्ट की जो टोटल लेंथ है ना ब्लाउज की वो पहले लिख लेनी है, फिर आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। वो क्या करना है, तो पीछे की साइड पे जो हम बेल्ट लगाएंगे ना वो हमें कितने इंच का लगाना है ना वो डिसाइड करके फिर उसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा बैक पार्ट की नेक मिल जाएगी। अब इसको हम इसमें देखेंगे शोल्डर चार्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेप। तो नेक का शेप हमारा फिर से राउंड इंच का है, तो हमने ये वाली लाइन देखनी है। फिर नेक जो लेंथ रहेगी ना, बैक नेक की जो लेंथ रहेगी, डीप नेक मतलब कि नेक की डीप, ये जो रहेगी वो नेक डीप रहेगा ना, तो नेक की डीप हमारी 10 इंच की रहेगी ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 to 11 इंच। तो 9 to 11 मतलब आपकी नेक की डीप 9 इंच से 11 इंच तक रहेगी ना, तब आप ये वाला बॉक्स देख सकते हो। तो हमारी जो 10 इंच की है ना, तो ये 10 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.50 इंच का, तो हमें 2.50 इंच का ही देख रहे हैं चार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या माइनस करना रहेगा, तो -3 इंच करना रहेगा। ओके, यहाँ पे -3 इंच लिखा है ना, तो यहाँ पे हमारा -3 इंच आएगा। ये -3 इंच कहाँ पे आएगा, किसमें से माइनस करना रहेगा, वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी बाद में। जब जब हम क्लास जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे आपको मैं समझा दूंगी कि ये माइनस हमें कहाँ पे यूज करना है। आप सिर्फ अभी ये सीख लो कि शोल्डर चार्ट को हमें देखना कैसे, तो आपको ये कैसे देखना है वो इतना आपको समझ में आ गया। शोल्डर माइनस चार्ट को कैसे देखना है वो आपको पूरा क्लियर हो गया। अभी आपको इसमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे हम मार्किंग करते जाएंगे तो मैं तब तब आपको समझाती जाऊंगी कि मैंने यहाँ से ये देख के ये लिया, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉक जो रहेगा वो हमारा फ्रंट डिप एंड बैक डिप रहेगा। तो जो हम अभी जो ड्राइंग सीखने वाले हैं ना वो हमारी इस टाइप की ड्राइंग रहेगी। वो हमारी ऐसी ब्लाउज रहेगी जो हमारा फ्रंट से भी डीप रहेगा और बैक साइड से भी डीप रहेगा। अब हम जो मार्किंग करेंगे ना वो मैं आपको कपड़े पे मार्किंग करके समझाऊंगी, बट आपको पेपर पे करना है जैसे कि मैंने पहले बताया। पेपर पे अभी आपको करना है, जब मैं बोलूंगी ना कि कपड़े पे आपको मार्किंग करके सिलना है तभी आपको कपड़े पे मार्किंग करना है, अभी इसको भी आपको पेपर पे मार्किंग करना है। तो उसको मैंने फोल्ड कैसे किया है वो आप देख लो। तो ये हमारा ऐसे अस्तर रहता है, तो उसको मैंने सिर्फ यहाँ से ऐसे एक बार फोल्ड किया, सिर्फ मैंने इसको एक बार फोल्ड किया, फिर अच्छे से इसको प्रेस लगा लिया। फिर ये जो हमारी साइड रहेगी ना, जो मेरी साइड रहेगी वो हमारी पूरी फोल्ड साइड रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फोल्ड साइड रहेगी, और ये जो साइड रहेगी ना ये हमारी ओपन साइड रहेगी। तो आज की क्लास में मैं आपको
फ्रंट डिप एंड बैक डिप का सिर्फ आपको बैक साइड का मार्किंग करना सिखाऊंगी, और जो फ्रंट साइड का मार्किंग रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सीखेंगे बैक फ्रंट डिप एंड बैक डिप ब्लाउज में बैक पार्ट की ड्राइंग हमें कैसे करनी रहती है वो अब हम सीखेंगे। जो हमारी फ्रंट पार्ट की जो ड्राइंग रहेगी ना उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम सिर्फ बैक साइड का ड्राइंग करना सीखेंगे, सिर्फ मैं आपको ड्राइंग सिखा रही हूँ। ओके, आपको कटिंग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ड्राइंग करना सीखना है कि कैसे हमें इसकी ड्राइंग करनी रहती है। कपड़े को हमें कैसे फोल्ड करना है तो ये आपको समझ में आ गया ना, तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी, ये पूरी हमारी फोल्ड साइड रहेगी ना, तो यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गई। ये जो हम मार्किंग करे ना, ड्राइंग बना रहे हैं ना, वो पहले जो हमने ड्राइंग की है ना उसी नाप से बना रहे हैं, तो उसका नाप मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी ना, तो वहां से आप इसका नाप लिख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम सबसे पहले किसकी मार्किंग करते हैं, तो शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच का हमारा शोल्डर है ना, तो उसको हमें सिर्फ हाफ कर लेना है। इसको हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.7 इंच। तो फोल्ड साइड से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 6.7 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया, फिर यहाँ से हमें एक इंच डाउन जाना है, वो हमारा सभी साइज के लिए सेम रहेगा। एक इंच डाउन जाके फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये जो हमारी फोल्ड साइड है वहां से हमें इंची टैप को रख के 2.15 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो इतना जो भी करना रहेगा वो हमारा सभी साइज के लिए सेम रहेगा। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें यहाँ पे क्रॉस में लाइन बना लेनी है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे ना, तो आर्म होल की डाउन कितना जाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेंज करना रहेगा। क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ना ड्राइंग, ये हमारी फ्रंट डिप और बैक डिप का ड्राइंग है ना, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा चेंज होता होगा। तो क्या चेंज होगा वो अब हम देखेंगे। तो ये जो हमारा आर्म होल डाउन जाना रहेगा, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था, चेस्ट डिवाइड बाय 6+1 करना था ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ हाफ इंच प्लस करना है। ओके, क्योंकि हमारा फ्रंट डीप है और बैक दोनों डीप नेक है ना, इसके लिए हमें 2.5 इंच ही प्लस करना है, हाफ इंच ही प्लस करना है। तो अब देखेंगे, तो चेस्ट हमारी कितनी थी, चेस्ट हमारी 29 इंच की थी ना, तो उसको वो मैं कैलसी पे दिखा देती हूँ। तो चेस्ट हमारी कितनी, 29 इंच की हमारी चेस्ट थी ना, तो उसको हमें डिवाइड बाय 6 कर लेना है। तो जो भी आएगा ना उसमें हमें प्लस 0.5 इंच करना है, तो कितना आएगा, 5.3 इंच आएगा। तो 5.3 इंच को हम जहां से हमने 1 इंच डाउन गए ना, वहां से इंची टैप को स्ट्रेट रख लेना है। फिर हमारा 5.3 इंच जहां पे आएगा वहां पे हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहां से हम 5.3 इंच पे मार्किंग करके हो गया। अब हम यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, चेस्ट लाइन। ये तो यहाँ तक का तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी हमने इस टाइप का ही सीखा था, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, तो यहाँ पे आर्म होल जो डाउन गए ना उसके लिए जो फॉर्मूला था उसमें हमने 0.5 इंच ही प्लस किया। ओके, ये हो गया, चेस्ट लाइन तक का आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम उसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की हमारी रेडी लेंथ कितनी है, 14 इंच की हमारी लेंथ है। तो यहाँ से हमने इंची टैप को रख लेना है, फिर हम इसमें एक इंच प्लस करेंगे, तो 15 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हम दोनों साइड पे कर लेंगे, ताकि जब हम कमर की मार्किंग करेंगे तब हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे भी दोनों मार्किंग कर लेनी है। फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं सारे ये जो मार्किंग किया है ना उसको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्किंग किया वो हमने शोल्डर की मार्किंग की। तो शोल्डर हमारा जितना भी पूरा शोल्डर था ना, रेडी शोल्डर नहीं, जितना भी हमको चाहिए वो नहीं,
पूरा हमारा जितना भी शोल्डर था ना, 13.5 का हमारा शोल्डर था ना, तो उसको हमने सिर्फ हाफ किया, उसमें से कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं किया। हाफ किया तो जो भी आया उसको हमने यहाँ पे एक मार्किंग किया, फिर हम 1 इंच डाउन गए वो ये मार्किंग हो गया, फिर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया, फिर हमने ऐसे मार्किंग कर लिया, ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग की, वो हमने ब्लाउज की लेंथ हमारी जितने भी थी उसमें हमने 1 इंच प्लस करके मार्किंग किया, तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। फिर हमने आर्म होल डाउन गए ना, तो ये हमने कैसे किया, तो चेस्ट हमारी जितने भी थी उसको हमने डिवाइड बाई 6 कर लिया, फिर उसमें हमें 0.5 इंच प्लस करना है, तो जो भी आएगा वहां पे हमने मार्किंग करके फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की उसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे, जहां से हमने ये चेस्ट लाइन बनाई है ना, वहां से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे ना हमें चेंज करना रहेगा, तो क्या चेंज करना रहेगा, तो ये जो हम बना रहे हैं ना ड्राइंग, ये हम किस ब्लाउज की बना रहे हैं, फ्रंट डिप और बैक डिप की ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो उससे पहले जो हमने ब्लाउज बनाई थी वो हमारी पैक ब्लाउज थी, आगे पीछे दोनों साइड पे पैक थी, तो उसमें हमने लूजिंग भी प्लस किया था 2.5। तो क्योंकि ये तो हमारा आगे का भी डीप नेक रहेगा, पीछे का भी डीप नेक रहेगा, तो यहाँ से हम डीप बनाएंगे तो ये तो थोड़ा लूज हो ही जाएगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे हमें कुछ भी लूजिंग प्लस करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जितना भी हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट हमारी कितनी है, 29 इंच की हमारी चेस्ट है ना, तो उसको हमें सिर्फ डिवाइड बाय 4 कर लेना है। ओके, यहाँ पे कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, जब आपका गला आगे और पीछे की साइड से दोनों से डीप रहेगा, दोनों साइड से डीप रहेगा, तब आपको चेस्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 7.25 इंच पे, ये 7.25 इंच पे एक मार्किंग करके हो गया। फिर अब हम यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई का प्लस करेंगे, तो यहाँ से इंची टेप को रख लेना है, फिर 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने मार्किंग करके हो गया। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे मैंने लूजिंग ऐड क्यों नहीं की वो भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक है, इसके लिए हमने चेस्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। जब हमारा ब्लाउज का गला आगे से भी पैक रहेगा और पीछे से भी पैक रहेगा ना, तो सब ऐसे टाइट हो जाएगा, इसके लिए हमें चेस्ट में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी जरूरी है। यहाँ पे लूजिंग ऐड करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर लेना है, उस वहां पे हमें एक मार्किंग कर लेंगे, फिर हमें ये जो मार्किंग की वो हमने सिलाई के लिए मार्किंग की। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट का जैसे क्या सेम कॉपी वेस्ट में भी कर लेना है। यहाँ पे हमारी कमर कितनी है, वेस्ट हमारी कितनी है, 23 इंच की है ना, तो उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो कितना आएगा, 5.75 इंच आएगा। तो इंची टेप को हमें फोल्ड साइड से रख लेना है, फोल्ड साइड से रख लेंगे तो 5.75 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये हमारा 5.75 इंच आया, तो यहाँ पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। फिर इसमें भी हमें सिलाई के लिए 1.5 इंच प्लस कर लेना है, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच प्लस करके हो गया। अब हम ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब हम यहाँ से माइनस किया हुआ शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो ये जो हम मार्किंग करेंगे ना, तो वो कहाँ से आएगा, तो जब हमने चार्ट देखा था ना, तब मैंने क्या बोला था कि ये हमारा -2 की जो भी आया था वो हम जब मार्किंग करेंगे तब मैं बताऊंगी, ऐसा बोला था ना, तो वो मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है। तो हम फिर से सीख लेते हैं कि वो कैसे करना है। तो उसके लिए ना हमारे पास सूत्र है, सूत्र हमारा क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ये सूत्र लिख लेना है। ओके, ये सूत्र को हमें ध्यान देना है, इतना ये हमारा सूत्र है। अब हमें क्या करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम बैक साइड का निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये जो रहेगा वो हम बैक साइड का निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें नेक का शेप क्या है, जो भी हम ब्लाउज बना रहे हैं वो किस शेप का बना रहे हैं वो चाहिए। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं राउंड शेप का, तो नेक का शेप हमें मिल गया,
सेकंड हमें क्या चाहिए, तो नेक का डिप चाहिए, तो ये हो गया हमारा नेक डिप। फिर हमें थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, रेडी शोल्डर चाहिए, तो रेडी शोल्डर यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच का रेडी शोल्डर लेंगे। आपको जितना भी रेडी शोल्डर चाहिए आप उतना ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे रेडी शोल्डर ले कर लिया। अब देखो नेक डिप, ये तो हम बैक पार्ट की साइड का देख रहे हैं ना, तो बैक पार्ट में हमारी नेक डिप कैसे आएगी वो मैंने बताया है ना, तो नेक डिप हमारी कैसे आई थी, तो हमने कैसे मार्किंग किया था, देखो ये मैंने ड्राइंग करके बताया था ना कि ये हमारा ऐसे ब्लाउज रहेगा, तो नेक डिप हमें कैसे चेक करनी है, तो ये जो हमारा बेल्ट रहेगा ना वो बेल्ट हमें कितने इंच का चाहिए, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम 3 इंच का बेल्ट रखेंगे। तो हमारी ब्लाउज की रिप्पी जो बैक पार्ट की जो लेंथ थी वो हमारी 13 इंच की थी ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 13 इंच की हमारी लेंथ थी, तो उसमें से हमने जो यहाँ पे जो 3 इंच का बेल्ट डिसाइड किया उसको हमें माइनस कर लेना है, तो हमें कितना मिलेगा, 10 इंच मिलेगा। तो ये हमने 10 इंच का बैक नेक रहेगा तो वो हमने लिख लिया था, तो यहाँ पे हम नेक का डीप रखेंगे बैक साइड का 10 इंच का, इतना हमें मिल गया, 3 मार्किंग हमें इसके लिए चाहिए तो उतना हमें मिल गया। अब हम शोल्डर चार्ट में देखेंगे, तो शोल्डर चार्ट में हमें कैसे देखना है, तो रेडी शोल्डर सबसे पहले हम देखेंगे, तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेडी शोल्डर जब हमारा रेडी शोल्डर 2.25, 2.50 और 2.75 रहेगा, तो हमें पूरा ये वाला चार्ट देखना है, तो यहाँ पे तो हमारी 2.5 इंच का है ना, तो ये हमारा 2.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा, तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक का शेप हमारा कौन सा है, तो नेक का शेप हमारा राउंड नेक है, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है, ये लाइन देखनी है जो मैंने चौक से मार्किंग की है, ये हम राउंड नेक वाली लाइन देखेंगे। ये ऐसे में तो हमने लाइन देख ली, फिर ऐसे में हमें ढूंढना है कि वो कौन से बॉक्स में आएगा, तो वो कैसे देखना है कि, तो उसके लिए हमें नेक डीप चाहिए रहेगा, तो नेक डीप हमें कितना मिला, 10 इंच का मिला ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है नेक डीप, तो नेक डीप इसमें से हमें कहाँ पे मिलेगा, तो 10 इंच है तो यहाँ पे लिखा है 9 to 11 इंच, तो हमारा 10 इंच यहाँ पे आ जाएगा ना, फिर हमें स्ट्रेट लाइन देखनी है, तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस होगा, -3 आंसर आया ना ऐसे देख के, तो इस -3 को हमें यहाँ पे लिख लेना है, बैक साइड का हमें -3 करना है। ओके, तो ये हमें मिल गया कि हमें कितना माइनस करना है, तो -3 मिल गया। अब इस -3 को हमें क्या करना है, मतलब कैसे माइनस करना है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि हमारे पास सूत्र रहेगा, तो सूत्र हमारे पास क्या है, तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, तो ये जो हमारे हमको मिला ना, ये जो -3 आया वो हमारा रहेगा मिला हुआ शोल्डर, तो यहाँ पे हम 3 इंच लिख लेंगे, -3 इंच हो गया। अब इसको हम डिवाइड बाय 2 कर लेना है, तो यहाँ पे फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है ना, तो उसको हम -3 करेंगे फिर डिवाइड 2 कर लेंगे, तो देखेंगे कि कितना आएगा, तो 13.5 - 3 / 2 तो कितना आएगा, 5.25 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमें 5.25 इंच ऐसे 5.25 इंच मिल जाएगा। ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ पे एक सूत्र का यूज होगा, तो वो सूत्र का यूज भी तभी होगा जब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे ना, तब इसको मिलेगा। तो इतना आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं एक बार और रिपीट कर लेती हूँ, जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्किंग करेंगे ना उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये वाला जो मैंने आपको दिया है ना उसको देखना है, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए। तो ये शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें ये 3 चाहिए ना, तो ये मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। फिर हमने पहले आपको साइड में लिख लेना है कि फ्रंट और बैक, तो जो भी हम माइनस करेंगे ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम बैक पार्ट का कर रहे हैं, इसके लिए मैंने पहले आपको बैक पार्ट का समझा लिया कि यहाँ पे इतना आया। आपको ब्लाउज सिलने से पहले जो भी मार्किंग करोगे ना उससे पहले आपको ये निकाल के रख लेना है। ओके, ये हमने बैक पार्ट का निकाला, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक लिख लिया। फिर मैंने क्या किया, नेक का शेप डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर नेक डिप हमारा
टेन इंच आया, तो टेन इंच हमारा कैसे आया वो भी मैंने आपको समझा लिया है, वो दो बार समझा है तो फिर से रिपीट हम नहीं करेंगे। तो टेन इंच वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, तो हमने पूरा लिख लिया। फिर ये सबको ध्यान में रख के फिर इसको शोल्डर चार्ट को देखा। तो शोल्डर चार्ट के लिए हमारा सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर तो 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच वाला चार्ट हमने निकाल लिया। फिर हमें शेप देखना है, तो राउंड शेप वाली लाइन को हमने ऐसे डार्क कर लिया, ये राउंड शेप वाली लाइन रहेगी। फिर नेक डिप, तो नेक डिप हमारा 10 इंच का है, तो 10 इंच हमारा यहाँ पे आया। तो इसमें हमें क्या आया, -3 इंच मिला ना, तो उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख लिया है -3 इंच। ओके, यहाँ तक हमें लिख लेना है। फिर हमें सूत्र का यूज करना है जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखवाया हुआ है। सूत्र का यूज करेंगे तो उसका सूत्र हमारे पास क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। और आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि फुल शोल्डर माइनस किया हुआ है फिर से लिखा हुआ है माइनस मिला हुआ शोल्डर, तो ये सब नहीं। इसको क्या देखना है, फुल शोल्डर फिर ये जो माइनस किया ना वो तो हमने ये पूरा लिख लिया, माइनस मतलब कि माइनस जो भी हमने मिला ना वो पूरा यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको डिवाइड टू कर लेना है। तो शोल्डर हमारा 13.5 इंच का था, तो उसको हमने -3 कर लिया, जो हमको मिला था वो -3 कर लिया, फिर डिवाइड टू कर लिया, जो भी आंसर आया वो हमारा कितना आया, तो 5.25 इंच आया। अब देखेंगे कि जो हमारा 5.25 इंच आया उसकी मार्किंग हमें कहाँ पे करनी है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, आपने देखा होगा। तो देखो हमें शोल्डर ये हमारा जो भी हमने मार्किंग किया ना वो हमारा 5.25 इंच आया, तो हमें शोल्डर लाइन पर ऑन फोल्ड साइड से मार्किंग करना है, ऐसा लिखवाया है। तो हमें क्या करना है, शोल्डर लाइन से मतलब कि जो हमने एक इंच डाउन गए हैं ना उस लाइन को ऐसे स्ट्रेट देखना है, यहां से नहीं देखना है यहां से देखना है। तो हमें कितना मिला, 5.25 इंच। तो 5.25 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमें ऐसे एक मार्किंग कर लेनी है, ये हमारा 5.25 इंच आ गया। तो ये हमने मार्किंग कर ली, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अब देखो ये हमने 5.25 इंच पे हमने मार्किंग करके हो गया ना, तो ये जो हमने मार्किंग किया ना उसको हम क्या बोलेंगे, तो माइनस किया हुआ शोल्डर। यहाँ से जो हमने ये सब करके जो मिला ना उसको हम यहाँ से बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर। तो जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर पे मार्किंग किए ना वो लाइन, उसको हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्किंग कर लेनी है। तो इंची टेप को हम फोल्ड साइड से रख लेंगे। फिर हमारा कितना इंच आया था, 5.25 इंच आया था ना, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की वो तो हमारा फुल शोल्डर रहेगा, बट ये जो हमने फिर से जो शोल्डर की मार्किंग की उसको हम बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर। ये आपको याद रखना रहेगा, ये हमारा फुल शोल्डर रहेगा और ये जो हमने मार्किंग की है वो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर रहेगा। जो हमने मार्किंग यहाँ पे की उसी मार्किंग हमने यहाँ पे भी की। फिर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमने लाइन बनाई है ना, ये हमारी आर्म होल की लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन वाला आर्म होल हमें कब बनाना है, तो जब हमारी ब्लाउज फ्रंट डिप और बैक डिप रहेगी ना, तब हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक जो हमने किया वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे भी हमें एक मार्किंग करते है ना, तो वो मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ। जब हमारी चेस्ट जब हमारी 40 इंच से कम रहेगी तो यहाँ पे हमें 0.75 इंच पे मार्किंग करनी है, और जब हमारी चेस्ट 40 इंच से ज्यादा रहेगी तो हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो अभी तो हमारी चेस्ट 29 इंच की है, तो वो 40 इंच से कम है, तो हम यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल में जो शेप देते हैं ना उस ऐसे हमें शेप देना है। तो ये जो हमारा बैक पार्ट, ये हम ड्रॉ जो कर रहे हैं ना वो हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो बैक पार्ट का जो आर्म होल रहेगा ना वो हमारा बहुत इजी रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे, जो हम शेप देते हैं ना वो नॉर्मल हमें शेप दे देना है।
जहां तक हमारी फिटिंग की मार्किंग रहेगी ना वहां तक हम ऐसे शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक का आर्महोल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये जो हमें माइनस किया हुआ शोल्डर का जो लाइन है ना, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना इंच आ रहा है वो देख लेना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी जितना भी गैप आ रहा है ना उसी गैप को हम यहाँ पे ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो भी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना वो और हमें मिला हुआ माइनस किया हुआ जो शोल्डर है वो, ये दोनों पॉइंट्स दोनों में जो गैप आ रहा है ना वो दोनों में जितना भी गैप आ रहा है ना उतना गैप हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए। फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ना और यहाँ पे हमें माइनस किया हुआ शोल्डर है, यहाँ पे जो बीच में का जो गैप आ रहा है ना ये वाला, तो ये गैप हमारा यहाँ पे भी इतना ही गैप रहना चाहिए जितना हमारा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि ये तो हम डीप नेक बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्रॉस शोल्डर नहीं लेना है। जबकि हमने पैक नेक जो बनाया था उसमें हमने शोल्डर को क्रॉस रखा था ना, तो इसमें ऐसा नहीं करना है, इसको हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। तो ये स्ट्रेट हमें तभी पता चलेगा जब हमें पता रहेगा कि यहाँ पे हमारा गैप कितने इंच का है, तभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। फिर ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कम ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे भी कम ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले इस यहाँ पे जितना भी गैप है उसको नाप लेना है, फिर उसको हम यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा पीछे का नेक हमें देखना है। तो पीछे का नेक हमारा कितने इंच का आया था, 10 इंच का हमारा पीछे का नेक आया था ना, तो ये तो हमारा सब कुछ माइनस हो गया है, जहां से मैंने स्केल रखी वो माइनस हो गया है। तो ये हमारी नई लाइन रहेगी ना, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। फिर 10 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है ना। तो जब आपका बैक साइड का नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा, जब आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तब आपको यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना वहां से हमें और हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ। आपको ये याद रखना है, जब आपका नेक चेस्ट लाइन जो है उससे नीचे जा रहा होगा ना, तब आपको ये जो हमारी शोल्डर की नई लाइन है ना उससे हमें हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो मैंने हाफ इंच पे यहाँ पे एक और मार्किंग कर ली है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है इसके लिए। तो ये हमने हाफ इंच पे एक मार्किंग करके हो गया। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हाफ इंच क्यों माइनस किया हुआ आपको समझ में आ गया ना, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये जो हमारा रहेगा ना उसको हमने पहले से माइनस कर लिया है, तो अभी इसको हमें नहीं देखना है जो मैंने क्रॉस लाइन बना ली है। ओके, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा रेडी शोल्डर है, तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है। तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। आपका जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि शोल्डर गिरता है तो क्यों गिरता है, तो यहाँ तक का हमारा शोल्डर रहेगा तो यहाँ से हमारा शोल्डर गिरेगा। तो यहाँ से तो हमने पहले से ही माइनस करके रख लिया ना, तो फिर यहाँ पे कोई भी शोल्डर गिरने का चांस ही नहीं रहेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे इतना माइनस कर लिया है। तो ऐसे आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करते जाओगे तो आपकी ब्लाउज प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये जो मार्किंग की वो कैसे की समझ में आ गया ना, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर था उसमें हमने सिर्फ 1 इंच प्लस करके एक मार्किंग कर लिया। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखो नेक की विड्थ हमें अपने आप मिल जाएगी, तो यहाँ पे मुझे मिल रही है 1.6 इंच की। तो ऐसे हमें नेक की विड्थ भी मिल जाएगी। ओके, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ तक पूरी मार्किंग करके कंप्लीट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या बाकी रहेगा,
यहाँ पे नेक का शेप देना बाकी रहेगा, जो बैक पार्ट का नेक का शेप रहेगा वो बाकी रहेगा। फिर हमने जो लास्ट टाइम जो हम ड्राइंग बनाई थी ना, उसमें क्या किया था, बैक फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ पे रखा था, फिर यहाँ से लेके इसको क्रॉस लाइन बनाई थी ना, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, वो मैंने इसको पहले बताया है पर वापस से बता रही हूँ, तो ये हमारा इस टाइप का ब्लाउज रहेगा। ओके, ये हमारा, ये देखो आगे से भी डीप रहेगा, ये हमारा पीछे से भी डीप रहेगा, और आगे पीछे जो डीप रहेगा तब हमें शोल्डर में क्या करना है, यहाँ पे देखो शोल्डर में हमने कितना माइनस कर लिया ना, जब हमने पैक नेक बनाया था तब हमने अलग प्रोसेस की, और जब हम बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों डीप बना रहे तब हमने अलग मार्किंग किए। अब जो भी आप ब्लाउज बनाओगे तब आपका जो गला रहेगा वो फ्रंट से भी डीप रहेगा, बैक से भी डीप रहेगा ना, तो आपको पूरी प्रोसेस यही करनी है। अब आपको ये इतनी सारी मार्किंग देख के थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो उसकी टेंशन अभी मत लो, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ड्रॉइंग आ जाएगी। तो अभी आपको सब कुछ देखना पड़ा है कि यहाँ पे ये इतना मार्क रहेगा तो ये देखना पड़ा, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे इतना करना है, इसके बाद इतना करना है, उसके बाद वो करना है, वो सब आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। ड्राइंग मतलब ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट कर लोगे वो भी मुझे पता है, तो ओके अभी धीरे धीरे सीख जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। और आज की क्लास की सारी फोटो आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके देख लेना कि मैंने किस टाइप की ड्राइंग की है, फिर आप ड्राइंग करके देखना कि मेरी ड्राइंग और आपकी ड्राइंग दोनों मिल रहे कि नहीं। ओके।